हेलो। गुड आफ्टरनून सर। ज्वाइन करेगा सब और मैसेज करो ग्रुप में सर और ज्वाइन यस करेंगे। सर, पूछते हैं सर, हम मैसेज कर देते हैं।
हेलो 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 कब आ गए? और लोग आना है? पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? किसी कुछ याद है? हेलो हेलो, एक क्वेश्चन है जो हम तो लोगों पीछे डिस्कस किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट द मोर्टार रेशियो। मतलब एक एरिया है, सपोज दिस इज एरिया इज वॉल। ओके, ये वॉल का जो प्लास्टर का थिकनेस हमारा है 10 mm, इसका लेंथ है तुम्हारा 10 मीटर एंड विड्थ में या हाइट तुम्हारा इसका भी 10 मीटर। तो हमको 1:6 रेशियो से इसको फाइंड करना है हमको कि कितना वाला सीमेंट और कितना सैंड लगेगा। तो बता सकता है, हमने डिस्कस किया था क्लास में। बोलो एनीवन, हाउ टू कैलकुलेट द सैंड एंड सीमेंट। कितना हमारा सीमेंट सर, आप पहले, आवाज बहुत ब्रेक कर रहे हैं। अभी ठीक है? ऐसा ठीक है। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लास वो डिस्कस किया है तुम लोग से, लेकिन तुम लोग कोई बताया नहीं पाए थे। पहले हम क्या करेंगे, बोलो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? पहले इसका वॉल्यूम निकालो कि टोटल हमारा कितना MQ मोटार इसमें लगेगा वॉल में। अगर वॉल का प्लास्टर है, ठीक है, तो इस वॉल्यूम में कितना हमारा, इसको पहले वॉल्यूम निकालो टोटल एरिया का। कैसे निकालेंगे एरिया का? तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? कोई आइडिया?
नथिंग, कोई नहीं बताएगा, तो कैसे तुम लोग एस्टिमेशन करोगे? कुछ भी बोलो कि हाउ टू कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हाँ बोलो बोलो सर, थिकनेस तो नहीं दिया हुआ है? थिकनेस 10 mm दिया हुआ नहीं है? ये जो 10 mm है ये तो इसका थिकनेस, प्लास्टर का थिकनेस दिया हुआ है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये थिकनेस इसका होगी। तो वॉल्यूम का पहले भाव निकालने के लिए फाइंड करके इसको 10 mm को चेंज करो, मीटर में चेंज करो, 10 mm को चेंज द मीटर इन मीटर। जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर होगा। जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर। जीरो वन जीरो मीटर, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम? सर 10 × 10 करके फिर इसका थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड, तो कितना आएगा बताओ? वन मीटर क्यूब, टोटली वन मीटर आएगा। 0.1 मीटर होगा। सर 1 मीटर क्यूब आएगा ना? अब कितना का तुम बताओगे ना? 10 × 10 सर 1 मीटर क्यूब आएगा। 0.010 कितना एम क्यूब आएगा? 1 मीटर क्यूब हो गया सर। हाँ 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब की क्या आया? वेट वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ वेट वॉल्यूम। तो कितना आया तुम्हारा? 1 mq। ये हमारा क्या आ गया? वेट मोटर। अब इस कंपोर्ट चेंज करना है ड्राई मोटर में। ड्राई मोटर कितना हो जाता है तब ना तुम्हारा निकलेगा, तुम्हारा कितना एक्चुअल वैल्यू? इसमें तो वाटर एडेड है ना, तुमको तो निकालना है सैंड और सीमेंट, कितना हमारा सैंड लगेगा कितना सीमेंट लगेगा। तो वेट मोटर के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1 mq है, इसमें तुम्हारा 25% ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.25 mq, समझे? एक तुम्हारा हो गया ड्राई मोटर। ड्राई मोटर के लिए कभी भी क्या करना, जब भी जितना भी तुम्हारा मोटर आता है, जितना भी वॉल्यूम आता है, सपोज तुम्हारा 3 mq आता है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इसका 25% ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 3 × हाँ 1 mq इक्वल टू कितना होता है? 1.25, ठीक है। 3 mq इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर 1 mq मोटर जो है हमारा वेट मोटर, वो चेंज होता है ड्राई मोटर में 1.25 mq, तो 3 mq कितना हो जाएगा? 3.75 हो जाएगा ना? बोलो। यस सर, 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ यस सर,
3.75 MQ, ये तुम्हारा आ गया ड्राई मोर्टार, ठीक है। तो सेम हम लोग कितना है 1.25 MQ मोर्टार आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ना सर। ओके, अब हमको फाइंड करना है कि सैंड सीमेंट, हमारा सीमेंट कितना लगेगा। तो ये रेशियो कितना है, 1:6 रेशियो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो 1:2 रेशियो क्या करेंगे हम लोग, ए वन तुम्हारा क्या है और सिक्स क्या है, पहले ये बताओ हमको। 1:6 रेशियो में 1 और 6 क्या है वो? सीमेंट है। वन सीमेंट और 6 सैंड। या वन सीमेंट है। या वन सीमेंट एंड 6 इज सैंड। ओके, तो दिस इज द, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 और 6 को ऐड कर देंगे। 1 और 6 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करते, कितना आ जाएगा 7। क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो 1 + 6 = 7। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, सीमेंट पहले। तो 1 / कितना 7। हम पहले क्या कर रहे हैं, सीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सीमेंट इक्वल टू 1/7 into, हमारा ड्राई मोटर कितना है 1.25। तो बताओ कितना आ जाएगा। बताओ 0.17। 1/7 into 1.25 को कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.17। 1.7 ये क्या आ गया, MQ सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। तो 1 bag सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 50 kg। 1 bag सीमेंट का वॉल्यूम 50 kg हो जाएगा। नहीं सर, 0.035। वेट हुआ ना। ओके, वॉल्यूम पूछ रहे सर, सॉरी। 0.34 आता है उसका, 0.347 समथिंग, ठीक है। हमको नंबर्स ऑफ बैग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ बैग निकालने के लिए 0.17 है सीमेंट का ना, कितना है 0.17। अच्छा से कैलकुलेट किया ना इसको, अपॉन 0.34 डिवाइड करो कितना आएगा, 0.5। ठीक है, तब तुम्हारा एक सही निकालो तुम लोग ना, 1.25 लिखे तुमको सर। यस सर, उसमें आया 0.1785 मतलब उधर। हाँ ठीक है, 0.1785 ठीक है। इसमें तुम्हारा 0.5 बैग सीमेंट लगेगा, मतलब 25 kg, ठीक है। 25 kg सीमेंट हमारा इसमें यूज होगा, जो तुम्हारा क्या है 1.25। इसमें सैंड कितना लगेगा बताओ, सैंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही 6/7 कर देंगे। हाँ गुड, 6/7 कर देंगे इंटू 0.85 आया, नहीं 1.25 जो ड्राइव वॉल्यूम है, 1.25 ड्राइव वॉल्यूम, ये बताओ कितना आएगा, 1.07 ये MQ में आ गया ना। यस ओके, तो हम इसको क्या करें, चेंज करके MQ टू हम CFT में चेंज करते हैं। तो 1 MQ में कितना CFT होता है, नहीं पता है सर, बताइए।
नहीं पता है 35.67 समथिंग कुछ होता है ऐसा सीएफटी, ठीक है। सर आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, दोबारा बोलिए। 1 MQ में कितना सीएफटी होता है? बताओ 35.32 होता है सर। नहीं पता जी। 1 MQ में सीएफटी 35.32, ठीक है। इतना सीएफटी होता है 1 MQ में, तो 1.07 इंटू 35.32 करो। कितना गया? 0.03 कितना बोल रहे तुम लोग, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। 0.03 सर। अच्छा 1.07 इंटू 35.32 कैसे मल्टीप्लाई करते हो? 37 आएगा ना? 37.79 सीएफटी हो गया ना। तो 1 CFT में कितना केजी होता है? 45 KG। ये सब याद रखना तुम लोग। 1 CFT इक्वल टू कितना? 45 KG। तो 45 से इतना मल्टीप्लाई करो 37.79 में। ₹1700 लगेगा इसमें सैंड। ठीक है, क्लियर हुआ तुम लोग को? यस सर। तुमको तुम्हें बना के दिखाओ तुम लोग। सपोज तुम्हारा मोर्टार का वॉल्यूम है 3.75 MQ, ठीक है। अभी कहो तुम सीमेंट निकाल के दिखाओ कितना केजी होगा सैंड, बताओ जल्दी फास्ट। क्लियर है सबको ना? रेशियो तुम्हारा 1:6 ही है। बताओ क्या चीज़ पूछे सर? 3.75 MQ। हाँ बोलो सर। ये ड्राइव वॉल्यूम है कि वेट वॉल्यूम है? वेट वॉल्यूम है। वेट तुम्हारा 3.75 MQ वेट वॉल्यूम आया है। इसको चेंज करो ड्राइव वॉल्यूम में, तो 1 MQ इक्वल टू कितना होता है?
सर 6375.76 kg। इतना केजी सीमेंट लगेगा? यस सर। तो बहुत ज्यादा सीमेंट यूज करो। नहीं सर सैंड, नहीं सर सैंड का निकाल दिया, सॉरी। पहले सीमेंट बताओ ना, सीमेंट सर 0.669 meter cube। अच्छा ठीक है, सर 19.25 kg बैग पे आएगा, तो लगभग 20 बैग्स आएगा सर सीमेंट का। यस सर। और सैंड सर कैलकुलेट कर रहा है। सर सैंड आएगा 4.01 meter cube आएगा। कितना? 4.01 meter cube। ओके। वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड। ओके। उसका निकालो कितना केजी आएगा। सर केजी निकालने नहीं आता हमको। अभी तो बताया जस्ट। सर अभी हम क्लास में ऐड हुए हैं। ओके। तो वन, अभी बताओ वन एमक्यू में कितना सीएफटी होता है, कितना होता है जी? तुम लोग बताए थे ना अभी। यस सर 35.32। ओके, वन एमक्यू में 35.32 सीएफटी होता है। वन सीएफटी में कितना केजी? वन सीएफटी 45 kg। फाइंड कर लो जितना एमक्यू आया उसको 35.32 से मल्टीप्लाई करो, कितना सीएफटी आया और कितना एमक्यू आया था? 6 कितना आया बताओ? 0.669 आया था सर। 0.69 669। यस सर। नहीं सर 4.011। सर सैंड ऐसे ही सीमेंट का बता रहे हैं और सैंड का आया था 4.01। सैंड का, वही सैंड का ही पूछ रहा हूँ। तो 4.01। यस सर। एमक्यू, इसको अब चेंज करो सीएफटी में। पहले तो सीएफटी में चेंज कर इसको मल्टीप्लाई करो 35.32 से। तुम्हारा सीएफटी कितना सीएफटी आया बताओ? 141.68 CFT। ओके, आप इसको केजी में करने के लिए क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से। ये तुम्हारा जगह सैंड कितना केजी लगा?6385.98 kg आ रहा सर। 6385.98। 6386 कर लो उसको। कितना केजी तुम्हारा? यस सर। सैंड लगा। क्लियर हो ना? अब कितना भी तुम्हारे पास वॉल्यूम रहेगा,
ठीक है, जितना तुम मोटार यूज कर रहे हो, ब्रिकवर्क कर रहे हो, तो वो तुम्हारा फाइंड कर सकते हैं हम लोग किसी भी एंगल से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना एस्टिमेशन करने में, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? सर यहाँ जहाँ ड्राई सर जैसे ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं सर, वहां पर 1.25 से मल्टीप्लाई किए सर, तो कहीं कहीं 1.33 से भी करते हैं क्या? नो 1.3 से क्यों करेंगे? 25% ही हम लेते हैं उसका, तुम्हारा वाटर लेते हो ना मोटार में, उतना से क्यों करेंगे हम? ओ यस यस सर, सुन है ना? यस सर। और बोलो इसमें और किसी को कोई दिक्कत? मतलब सर वाटर मिलाने के बाद जितना परसेंट डिक्रीज करेगा उतना परसेंट ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई करें। मतलब समझे नहीं तुम क्या बोले। मतलब देखो वेट दो तुम्हारा वो आता है जो मोटर का जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा आता है वेट कंडीशन में, मतलब जो भीगा हुआ है वो, ठीक है, जो तुम प्लास्टर करते हो तो तुम उसको कैलकुलेट करोगे कि हम कितना थिकनेस दिए, 10 to 12 mm थिकनेस रहता है, कहीं 12 mm देना पड़ता है। मतलब जिधर अगर तुम ब्रिकवर्क करते हो तो वन साइड स्मूथ आता है और वन साइड रफ आता है ना, ये देखे हो तुम लोग पहले? यस सर। तो जिधर वन साइड स्मूथ आता है, जिधर से हम लोग वर्क करते हैं, जिस साइड से हम दीवार ब्रिक को ऐड करते हैं उस साइड तुम्हारा एकदम प्लेन सरफेस आता है, तो उस साइड तुम्हारा होगा 10 mm। अदर साइड जो तुम्हारा होगा, जो तुम जिस साइड टाइम नहीं हो उस साइड में क्या होता है, रफ होता है, मतलब जिगजैग शेप में आता है, उधर थोड़ा सा मोटा ज्यादा लगता है, तो उस साइड तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा 12 mm का थिकनेस जाएगा। तो तुमको उसको ऐड करने के लिए मतलब उस चीज को, तो तुमको वहां पर 12 mm तुमको थिकनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना सर, थोड़ा 12 mm वाला कंफ्यूज हो रहा। ओके, सपोज तुम ब्रिकवर्क कर रहे हो, ये सपोज ये वाल है, ठीक है, तो जो ये वाल है जब जी इस साइड से हम लोग करते हैं ब्रिकवर्क, तो ये क्या होता है, स्मूथ होता है सरफेस, देखे हो कहीं भी जिस साइड से हम वर्क करेंगे ब्रिक को ऐड करते हैं उस साइड तो क्या होता है, जो सरफेस होता है स्मूथ सरफेस होता है, और अदर साइड में क्या होता है, रफ होगा ना, वो तो पूरा इक्वल नहीं होगा कि होगा, कोई दीवार जोड़ते हुए देखे हो वाल को जोड़ते हुए? यस सर, एक साइड पूरा गड्ढा टाइप से होता है, एक साइड में गड्ढा नहीं रहता है, मतलब आगे पीछे रहता है, रफ दिखता है कि एकदम स्मूथ नहीं है, जिगजैग शेप में। ऐसा रहता है, मतलब तुम लोग कहीं वाल नहीं देखे हो, अब कैसे तुम करोगे बताओ, जब तुम लोग वाल को ही नहीं देखे हो तो कैसे होगा, किसी कोई कंफर्म नहीं है कि कैसा वाल होता है। ये बताओ कैसा होता है वाल, होता है कि नहीं होता? यस सुनो। यस सर, एक साइड रफ होता है, एक साइड रफ होता है, तो जो एक साइड रफ होता है उधर तुम्हारा क्या होगा कि मोटर ज्यादा लगेगा, उधर जो थिकनेस मोटर का होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो उधर वो साइड क्या होता है, हम 12 mm लेते हैं, ठीक है, जब तुम 12 mm लोगे तो उसका कैलकुलेशन करोगे तुम 12 से करेंगे ना, एक साइड 10 से, वो भी तुम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस फेस में इतना थिकनेस दे रहे हैं, उसके अनुसार तुम्हारा एमक्यू निकलेगा, तुम्हारा वॉल्यूम आएगा। तो और कोई डाउट है किसी को? हेलो।
कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट द सैंड एंड सीमेंट इन द मोर्टार। दिस क्लियर? और कोई डाउट नहीं हो किसी को ना? हमेशा पूछे सॉल्व, अगर एक क्वेश्चन तुमको देते हैं तो निकाल लोगे ना? अभी तुम लोग एक क्वेश्चन बनाओ बिना हमसे, कोई तुमसे हम बात मतलब तुमको नहीं बताएंगे, हमको तुम लोग बताओ। 2.5 MQ है वेट मोटा, हम तुम लोग कोई गाइड नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसका सैंड सीमेंट निकालो 1:4 के रेशियो से। इतना मोटार है 2.5 MQ, ठीक है, इसका रेशियो 1:4। फाइंड सैंड एंड सीमेंट, हो जाएगा? यस सर। जल्दी से फाइंड करो, 2 मिनट में। अगर क्लास कट हो जाता है तो फिर अगेन ज्वाइन करना तुम्हें।